हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सुरभि में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी आंवला का कैंडी। ये देखिए इतना सा आंवला है, इसका मैं कैंडी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और पूरा देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ आंवला का कैंडी। तो इधर देखिए पानी गर्म हो चुका है, पानी गर्म कर दी थी पहले से। अब इसमें डाल देते हैं, धो के साफ कर दिए थे ये आंवला को, धो के रखे थे वो वाला आंवला भी डाल देते हैं। तो देखिए 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 किलो 250 जैसे है। तो देखिए अब इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। इसको थोड़ा सा चला देते हैं, इसको फिर चेक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। तो देखिए ये हो चुका है, जो ऐसे करने से आसानी से ये फोक घुस जाए, तो इतना ही पकाना है। अभी देखिए आराम से घुस रहा है, तो इतना ही पकाना है, गैस को ऑफ कर देना है। इसको अभी निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं, निकाल कर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसका जो बीज है उसको अलग कर देंगे। देखिए ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बीज अलग करेंगे और ये वाला पानी को फेंक देते हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसे अलग कर दी हूँ, इसमें से बीज निकालना है। ऐसे दबा देने से वैसे करके इसको निकाल लेना है, इसका बीज को। देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। ऐसे अलग कर देना है बीज को। एक एक कली को अलग कर लेना है और नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दबा देने से देखिए कैसे निकल रहा है। सब इसी तरह से अलग कर लेते हैं। बॉईल करते समय ज़्यादा नहीं पकाना है और नहीं तो ठीक नहीं बनेगा कैंडी। ऐसे बड़ा बड़ा नहीं रखना है, इसको अलग करना है, ऐसे एकदम सिंगल सिंगल कर लेना है ऐसे। देखिए ये सब इसका बीज अलग कर दिए हैं, ये सब जो डबल डबल है ना, ये सब को भी अलग कर देंगे। ऐसे डबल नहीं रखना है, सब एक एक करके अलग कर लेंगे। ऐसे देखिए हो चुका है। अब देखिए इसका बीज निकाल ली, उसके बाद अभी मैं चीनी डाल देती हूँ। इसको ऐसे ऊपर से ही चीनी डाल दूंगी और इसको मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है, ऐसे ही ऊपर में डाल देना है। चीनी डाल देते हैं, इतना
चीनी डाल के अभी छोड़ देंगे। इसको 3 दिन तक ऐसे ही रखना है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये 3 दिन हो चुका है आंवला। देखिए जितना भी चीनी था ना, सब मेल्ट हो गया है। और एक दिन हम चलाए थे चम्मच से, ऊपर में चीनी था वो सब मेल्ट नहीं हुआ था, तो उसको एक बार चला दिए। ये 3 दिन हो गया, तो 3 दिन हो गया, तो अभी इसको निकाल लेते हैं। तो 3 दिन हो चुका है, तो अभी इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ऐसे छलनी में करके निकाल लेंगे। सारा पानी निकाल लेंगे पानी में से इसको। और ये वाला पानी को फेंकना नहीं है, इसको फ्रिज में रख के पी सकते हैं आप लोग, पानी के साथ मिला के अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। इसको अच्छा से, इसका पानी सब गिर जाएगा नीचे, उसके बाद ऐसे प्लेट में डाल देना है। इसको फिर धूप में सुखाएंगे। सब इसको निकाल लेते हैं। दो ठो गिर भी गया मेरा। इसको 2 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। इसको 2 दिन के लिए धूप में सुखा देंगे। देखिए इधर 2 दिन धूप में सुखाने के बाद आंवला ऐसे हो गया है। देखिए तो अभी इसमें चीनी डाल देती हूँ, चीनी का पाउडर, चीनी को पीस दी हूँ इधर में। ये देखिए चीनी को पीस दी हूँ, अभी पीसी हूँ, कैसे धुआं उड़ रहा है। देखिए ये वाला डाल देती हूँ। छोटी माँ खाएगी। तो ये वाला चीनी को मिक्सी में पीस दी हूँ। देखिए मिक्सी में एकदम पाउडर बन गया, पीस दी हूँ। इसको डाल देती हूँ यहाँ पे, डाल दिए आंवला में, आंवला के ऊपर डाल दिए। इसको मिला देते हैं अच्छा से। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये दोनों बहुत खाती है, ये दोनों को पसंद है। अब मैं भी खाती हूँ, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। देखिए सब अच्छा से मिला देते हैं। सब अच्छा से मिला दिए हैं, सब अच्छा से मिला दिए, तो अभी इसको डाल देते हैं आंवला का केंडी। मेरा बन के रेडी हो गया, मैं डालती हूँ। डाल लेती हूँ, आंवला का कैंडी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग भी बनाइएगा। घर में बहुत अच्छा लगता है खाने में आंवला, ऐसे खाने में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर कैंडी बना के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसको किसको आंवला का कैंडी पसंद है कमेंट करके बताइएगा, और बनाइएगा आप लोग भी आंवला का कैंडी। इधर में क्या कर रही है ये बदमाश, दिखी तुम। और अभी आंवला मिलता भी है मार्केट में,
लेके आइएगा मार्केट से और बना लीजिएगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो आंवला का कैंडी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।